को जवाब देना होता है, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपको सिर्फ अपनी बीवी को जवाब देना होता है, ना कि पूरे परिवार को। बस ये जीएसटी। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, जैसे तुम्हारे पीछे मैं हूँ। तो आदमी बोले, जब एक औरत से इतनी सफलता होती है तो सोच रहा हूँ दो चार और लेके आ जाऊँ। बीवी आती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, और फिर चुपती है तीर की तरह, और आखिर हालत कर देती है फकीर की तरह। आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो पत्नी बोले, नमक तो ठीक है, सब्जी कम पड़ गई थी, बोला था ना ज्यादा लाया करो। आदमी अपने घर में सिर्फ दो कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या फिर बीवी नहीं हो। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने चार थप्पड़ छह लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हो मैं आपसे प्यार नहीं करती। पति कहे, आलू के पराठे में आलू नजर नहीं आ रहे। पत्नी कहे, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है। पति कहे, 3 दिन से लगातार लौकी खा रहा हूँ, अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। पत्नी, यही बात तंबाकू के लिए क्यों नहीं बोलते हो। पति कहे, कल भी लौकी बना देना। लापरवाह लोगों को मैसेज भेजने से बेहतर है किसी कुत्ते को पत्थर मार दो, कम से कम जवाब तो देगा। स्कूल का निरीक्षण चल रहा था, निरीक्षक बोलता है लड़कों से, सावधान, कोई हिला तक नहीं। निरीक्षक बोलता है, विश्राम, सब वैसे ही खड़े रहे। तो निरीक्षक बोला, ये क्या है, इनको इतना भी नहीं आता। हेडमास्टर साहब कहे, नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं करवाता हूँ। हेडमास्टर साहब बोले, सुधा सट, और सब सावधान अनुभव जाओ। तो हेडमास्टर साहब बोले, ढीलो डस, सब विश्राम हो जावे। और हेडमास्टर साहब निरीक्षक को बोले, और राजस्थान है भया, थोड़ा दिल्ली को नहीं। एक महिला कपड़े खरीदने के लिए गई, दुकानदार, कैसा सूट दिखाओ। तो महिला बोली, पड़ोसन तड़प तड़प के दम तोड़ दे, ऐसा दिखाओ। शादी से पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना, अगर पति पहली बार उठे तो रब रूठे, दूसरी बार उठे तो दिल टूटे, तीसरी बार उठे तो जग छूटे, और अगर बार बार रूठे ही रहे तो निकाल डंडा और मार साले को जब तक डंडा ना टूटे। एक आदमी एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाला तेजी से चला रहा था। आदमी बोलता है, भाई स्पीड कम कर लो, मेरी 3 बीवियां और 17 बच्चे हैं। तो टैक्सी ड्राइवर बोला, साले तूने अपनी स्पीड देखी। कुछ लड़कियां सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से ऐसा मुंह बांध के निकलती है जैसे कि सारा सुलूक शौचालय साफ करने का ठेका इन्हीं को मिला है। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है और वहाँ पे अरबों घड़ियां एक ही दीवार पर टंगी हुई थी, और वो वहाँ पे परी से पूछता है, इतनी सारी घड़ियां क्यों। और परी, ये सब झूठ घड़िये हैं, जब भी आप धरती पे झूठ बोलते हैं तो ये घड़ी चलती है। और एक आदमी बंद घड़ी की ओर इशारा करता है और बोले, ये घड़ी किसकी है। परी कहती है, ये राजा हरिश्चंद्र की है, इसकी सुई कब भी